अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने होम पेज के ऊपर मल्टी कैटेगरीज दिखा सकते हैं, जैसे कि ये गेमिंग स्कैन एक बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है। तो इस तरह का पेज मैंने भी एक क्रिएट किया है, ये आप देख सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह ये क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह का पेज क्रिएट करने के लिए आपको टेम्पलेट यूज़ करना पड़ती है। ये टेम्पलेट आप देख सकते हैं, ये मैंने अपने छोटे भाई से बनवाई है, क्योंकि प्रोग्रामिंग ज़्यादातर वही हैंडल करता है। तो इसको अगर आपने यूज़ करना है तो आपको एलिमेंटर की सीएसएस चाहिए होगी, या आप एलिमेंटर प्लगइन डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें आपने चेंजेस ये करनी है कि ये इसमें टाइटल्स वगैरह हैं, इन्हें आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपने इसे कुछ और रखना है तो वो आप यहाँ से रख सकते हैं एडिट करके। उसके बाद ये जो है, ये आप सेट कर सकते हैं कि आपने कितने शो कराने हैं। ये सबसे पहले है फीचर्ड इमेज, सॉरी फीचर्ड पोस्ट। तो इसमें ये इधर वन है, और ये फेच कहाँ से करेगा वो इसके आगे लिखा हुआ है, वो आगे सेट किया गया है कि जो लेटेस्ट पोस्ट होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी ऑर्डर बाय डेट। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है हॉट राइट नाउ, ये दूसरा आ गया। उसमें जितनी पोस्ट दिखानी है, इधर फाइव सॉरी फोर दिखाई दे रही हैं। अगर आपने आपने इन्हें चेंज करना हो, जितनी दिखानी हो, तो वो आप रख सकते हैं। पहले फाइव थी, अब थोड़ी देर पहले मैंने फोर कर दी हैं, तो इसलिए फोर शो हो रही हैं। आपने जितनी दिखानी हो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। अगर मैंने ज़्यादा दिखानी है तो मैं ज़्यादा भी दिखा सकता हूँ। उसके बाद ये कैटेगरी है, तो कैटेगरी का यूआरएल आपने देखना है, ये स्लैश टैग है, तो इस वजह से ये यहाँ पे आएगा। इसके बाद गाइड्स, ये गाइड्स है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये गाइड्स का यूआरएल, यहाँ से अगर आपने इसका नेम चेंज करना हो तो यहाँ पे जितनी पोस्ट दिखानी है आपने। उसके बाद ये दूसरे भी सेम तरीके से आपने जो दिखानी है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये टेम्पलेट और ये सीएसएस फाइल मैं साथ में ऐड कर दूंगा पिन पोस्ट में, तो आप वहाँ से ये ले सकते हैं। उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल भी आपको पसंद आया होगा। अगर आप और ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अल्लाह।